ऐप जॉब्शन में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसे। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, जो आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे ये सब बना सिंपल एब्जॉर्बल फॉर अमाइनो एसिड ग्लूकोज, ये सब को क्या करेंगे पास करवाएंगे कहाँ से, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, ब्लड में। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये जितने भी फाइनल स्टेप हो रहे थे कहाँ पे हो रहे थे, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में ही। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ही ये सारे स्टेप हुए जहाँ पे ग्लूकोज ये बना। अब यहाँ से इसको ब्लड में ट्रांसफर करवाने का जो प्रोसेस है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास किया इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, ये समझ में आ रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से क्यों गया, क्योंकि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में ही सारे रिएक्शन हुए थे जिसमें आपका ग्लूकोज बना था, अमाइनो एसिड बना था, ये सारे रिएक्शन, ये सब कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में हुआ तो ये सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म बन गया, यहाँ से अब ये ब्लड में ट्रांसफर हम करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव। अब देखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दो टाइप का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे है, कि एक ट्रांसपोर्ट बताया विद द हेल्प ऑफ पैसिव एक्टिव। पैसिव में क्या होता है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होता, एक्टिव में एटीपी की रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे तो यहाँ पे डिस्कस नहीं है। यहाँ पे अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे मूवमेंट होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, और ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, कि सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आराम से वो पास कर जाता है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होता है कि किसी चीज कैरियर की जरूरत होती है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ये ध्यान में रखना है। जो पास आपका पार्टिकल्स हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होगा तभी फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा, और सिंपल डिफ्यूजन होता है कि कोई भी आपका ये आपको समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिंपल पास हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सॉरी यहाँ से सिंपल पास हो रहा है, किसी चीज के हेल्प से नहीं हो रहा है। लेकिन फैसिलिटेड में क्या हो रहा है, यहाँ चैनल्स प्रोटीन है उसके हेल्प से हो रहा है। तो सिंपल डिफ्यूजन में आपको करना है क्या, पढ़ना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड सीएल, ये इलेक्ट्रोलाइट पास होते हैं, और इसमें भी ग्लूकोज होता है, न्यू एनसीईआरटी में यहाँ पे ग्लूकोज है, सम अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन ये कैसे पास होंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको कैरियर प्रोटीन आ गया तो आपको एग्जाम में फैसिलिटेड डिफ्यूजन लगाना है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया तो इसका मतलब कैरियर प्रोटीन यहाँ पे आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लो यहाँ पे। इसलिए इसको अलग से डिवाइड करके मैंने बताया, एक्टिव में सिंपल ग्लूकोज अमाइनो एसिड और कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, यहाँ पे डिफरेंस हो गया, जो आपका जब क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोलाइट सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, और यहाँ सोडियम जो हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये ध्यान में रखना, सोडियम क्लोरीन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, और ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, हो गया। अब फैट का कैसे हो रहा है, तो फैट का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो समझते हैं। फैट क्या होता है, ये ट्राइग्लिसराइड होता है, मतलब ये बना हुआ था थ्री फैटी एसिड और एक वन ग्लिसरॉल से। तो सबसे पहले इसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये हमें मिसिल्स बनता है, मिसिल्स एनसीईआरटी ने दिया, लेकिन मिसिल्स में जनरली क्या होता है, तो आपका जब ये ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइसिस होता है तो रियल में टू फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड प्लस बाइल सॉल्ट इसमें होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिसिल्स, में मिसिल्स बोलते हैं, एनसीईआरटी ने मिसिल्स वर्ड की यूज किया है, कि इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया तो ये मिसिल्स हुआ। तो मिसिल्स को हमने कहाँ मूव करवाया, तो मिसिल्स को इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मूव किया ये। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में क्या हुआ, ये फिर से यहाँ पे रिफॉर्मेशन इसका हुआ, मतलब ये फिर से ये टीजी में कन्वर्ट हो गया, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब इसमें क्या कन्वर्ट है कि ये ट्राइग्लिसराइड तो बना, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट आ गया। सिंपल ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइसिस करवाया, मिसिल्स में बना, मिसिल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में गया, इसका रिफॉर्मेशन हो गया, रिफॉर्मेशन, और रिफॉर्मेशन मतलब ट्राइग्लिसराइड का बनना, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बन तो रहा है लेकिन इसके बाहर क्या आ गया, ये एक हमारा प्रोटीन कोट। तो ट्राइग्लिसराइड के पास जब प्रोटीन कोट आ गया तो इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया काइलोमाइक्रोन, इसको हमने क्या बन दे दिया, काइलोमाइक्रोन। तो ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया, मिसिल्स व मिसिल मूव किया इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, यहाँ पे रिफॉर्मेशन करके काइलोमाइक्रोन बना लिया, और ये काइलोमाइक्रोन फर्दर इसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया लिम वेसल लैक्टियल इन द विलाई में, ये आपको ध्यान रखना है, यही है, एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो फिनिश करते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट थे उसमें किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो माउथ में जनरली ड्रग्स का होता है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, यहाँ पे इसको ड्रग्स का नहीं है। स्टोमक में
वाटर, शुगर, एल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट जो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये सब बने। लार्ज इंटेस्टाइन सम मिनरल, वाटर एंड ड्रग्स। अब देखो, अब यहाँ पे डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब क्या होगा, अब एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब क्या हो गया कि जितने भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो हमने आपको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड में चला गया, अब ये क्या होगा कि ब्लड में अब ये अलग अलग अपने पार्ट में चले जाएंगे अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने। मतलब कि एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू, सारे टिश्यू में चले जाएंगे, विच यूटिलाइज हैं, जो कि उसे यूटिलाइज करेंगे। अब यूटिलाइज क्यों करेंगे, फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अपने काम के लिए। एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद सारे टिश्यू में चला जाएगा, वहां पे उसे वो यूटिलाइज करके अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई, अब जितने भी डाइजेस्टिव वेस्ट है अब उसका क्या होना है, तो ऐसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार बताता हूँ कि जितने भी डाइजेस्टिव वेस्ट है सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीसेस, फीसेस में इन द रेक्टम, रेक्टम में इनिशिएट, वहां पे न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसके वजह से अर्ज, हमें अर्ज होती है, हमें डिजायर हो जाती है फॉर इट्स रिमूवल। ये कॉमन सा प्रोसेस है, ऐसा होता है। अब डिफिकेशन, ये वर्ड क्या है, ये इसका मतलब है इजेशन ऑफ फिशेज टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग से जो आपका, आप फिशेज को इजेक्ट करते हो, निकालते हो बाहर, तो उसे हम बोलते हैं डिफिकेशन। ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, कैरिड आउट बाय मैस मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी एक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, जो आपको पीछे मैंने बता दिया। तो ये कॉमन सी चीज़ है, बेसिक है, पता होना चाहिए सबको कि जो आपका वेस्ट है ये सॉलिडिफाई इनटू कहाँ, ये रेक्टम में होता है, वहां से फिर एनस के थ्रू ये बाहर चला जाता है। आपका जो ये प्रोसेस है ये वॉलंटरी प्रोसेस होता है और कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आपका डिसऑर्डर है लास्ट में फाइनली, तो डिसऑर्डर में क्या क्या है, जॉन्डिस है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इन इन